टैक्नीकल सर्विस यूनियन भोगपुर वालों पंजाब पद्धर से अपनी मंगा प्रति पंजाब की मौजूदा सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी की गई और मुख्यमंत्री का पुतला भी फूकया गया। इस मौके पर प्रधान बलविंदर सिंह ने दसिया कि साडा इस रैली का मकसद यह है कि सानू सरकारां लारे लप्पे लाउंदियां हन ते साडे नाल धक्का करदियां हन। जदों तक साडियां मंगां नहीं मनियां जांदियां उदों तक यह संघर्ष जारी रहेगा। अज असी मोदी सरकार और पंजाब की कैप्टन सरकार का पुतला फूकिया उसका मतलब यह है कि केंद्र की मोदी सरकार ने एक्ट बिजली एक्ट 220 बना के जेडे बिजली बोर्ड या कारपोरेशन ने तोड़ के निजी हथा बेचा जा रहा है। इस दे नाल ही पंजाब सरकार ने अज तक जो मुलाजमान का और पेंशनर का डीए जो जाम दिता है उसकी बहाली वास्ते मुख्य मुद्दा साडा अज्ज दा इह सी वी एक्ट 220 जो केंद्र सरकार बनाउन जा रही है उन्हूं रद्द करवाउणा अते जे इह एक्ट बन जांदा ते पंजाब दे खेतीबाड़ी दी जिहड़ी मुख्य बिजली दित्ती जा रही है उहदी सहूलत प्राप्त हो जूगी। जो साडे गरीब वर्ग नूं 200 पर महीना दित्ती जा रही उह वी पास हो जाऊगी। इह संघर्ष दे विच असी केंद्र सरकार और पंजाब सरकार दा जिहड़ियां मंगां तुहाडियां किन्ने चिर तों लटदियां आ रहियां जी पंजाब की सरकार वो बना मुख कारण यह थी कि अकालिया ने जो मुलाजमान की लुट सुट की उस संबंध में पंजाब बदमा सरकार बनाने लिए मुलाजमान ने एक बहुत बड़ा योगदान पाया है पर कैप्टन की सरकार ने वो मंग एक भी इन्होंने पूरी नहीं की अज तक ना कोई भी जाना जो घोषणा पत्र जारी किया एक मंग भी जी मुलाजमान ने लागू नहीं की। यूनियन जी की नाज की प्रधान कौन जी साडे जिहड़े यूनियन वो सारे मुलाजम जिन्हें भी चुनिया वो सारिया संघर्ष कमेटी पाई है सारे पंजाब अब बाबा सुरजीत सिंह की रिपोर्ट KDT न्यूज़ TV भोगपुर। ਇੱਧਰੇ ਪਾ ਲਓ।